फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंट्री किचन में। और कई बार मन करता है कि जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाकर खाया जाए, टेस्टी सा, हेल्दी भी हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, जिसे आप कभी भी नाश्ते में या फिर पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, दही वाले सैंडविच। जी हाँ, ये आज हमने बनाया है दही से। हमने इसमें कोई मेयोनीज वगैरह यूज नहीं की है, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, उसके लिए हमें चाहिए दही। तो ये मैंने दही को डाल दिया है एक चलनी में, और इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा हंग कर लेंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो उसके लिए हमें इसको रखना पड़ेगा 3 घंटे के लिए कम से कम, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो ये लीजिए, हमने दही को अच्छे से हंग कर लिया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है दही, इसमें काफ़ी सारा पानी निकल गया है। और अब जो हम बना रहे हैं उसका नाम है दही वाले सैंडविच। जी हाँ, दही के छोले भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इनको बहुत ही हेल्दी तरीके से, बिना फ्राइड किए हुए। तो सबसे पहले हमें और जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। तो ये हमने लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, ये मैंने ली है हरी मिर्च, टमाटर जिनको बारीक काट लिया है। तो टमाटर का आप जूस ना लें, वरना जो दही है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और ये मैंने लिए थोड़ी सी पत्ता गोभी और हरा धनिया। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले भी। तो सबसे पहले हम लेंगे दही। तो अब हम एक बर्तन में डालेंगे ये जो दही हमने लिया है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हंकर। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी बारीक कटी हुई सब्जियां। तो ये मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी, और इसी के साथ ये गई हरी मिर्च, और ये गए टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे प्याज और हरा धनिया। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काले मिर्च, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तो ये देखिए, सारी जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से बाइंड हो गई है इस दही में। तो ये तैयार हो गया है हमारे सैंडविच का एक बहुत ही अच्छा सा फीलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारे सैंडविचेस बनाना। तो अब हमने ली है एक ब्रेड, और उस पर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। तो हमें अभी एक ब्रेड पे ही लगाना है बटर, और दूसरी ब्रेड पर हम लगाएंगे ये हमारी दही वाली फीलिंग। तो आप इसमें, अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाया है, क्योंकि हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप इसमें पूरा अच्छे से फैला दें। और अब हम इसको तवे पर थोड़ा सेक लेते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रेड को हम रखेंगे इसके ऊपर, और चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हम रख देंगे सैंडविच को इस तरह से, जहाँ से हमने बटर लगाया है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, और अब ऊपर भी हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा बटर। और गैस को हमें धीमे रखना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी सिकता रहे। अगर आप आंच तेज कर देंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको हम सिकने देते हैं, और तब तक हम तैयार कर लेते हैं दूसरा सैंडविच भी। तो अब इस ब्रेड पर भी हमने लगा दिया है बटर, और ये गई हमारी दही वाली फिलिंग। और जो दही के छोले बनाएंगे हम, अगर आप बनाना चाहें तो सेम यही प्रोसीजर है, बस आप ब्रेड को इस तरह से हेल्दी वर्जन में सेकेंगे नहीं, हम उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो हम फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और ये लीजिए, इसको कर देते हैं कवर। तो अब इसको हम पलट देते हैं। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है देखिए। और अब दूसरी तरफ से भी हम इसको धीमी आंच पर सेक लेते हैं।
तो ये लीजिए, एक मिनट हो गया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी सिका है। तो अब हम दूसरा भी सेक लेते हैं फटाफट से। तो ये गया हमारा दूसरा सैंडविच भी, और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर। तो ये गया बटर, और अगर आप चाहें तो बिना बटर के भी बना सकते हैं, बहुत थोड़ा सा घी लगाकर अगर आप थोड़ा सा इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। अब इसको हम पलट देते हैं दूसरी तरफ से। तो ये देखिए काफी अच्छे अच्छे सिक रहे हैं, बस मन कर रहा है तुरंत से इनको खा लिया जाए, बहुत ही क्रिस्पी सिक रहे हैं। तो ये लीजिए सिक्के रेडी है और करते हैं अब इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी सिक्के हैं, और अब हम करते हैं इनको कट। तो इस तरह से आप दो हिस्सों में इनको कट कर ले ताकि ये खाने में इजी रहे। तो ये गए हमारे सैंडविचेस प्लेट में। तो जब भी आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो या बच्चों का मन हो कि कुछ स्पाइसी सा टेस्टी सा खिलाया जाए, फटाफट से नाश्ता बनकर ये तैयार हो जाता है, तो आप ये बना सकते हैं उनके लिए। और साथ में हम सर्व करेंगे टोमेटो सॉस। तो ये गया सॉस, और अब हम लेते हैं इन गर्मा गर्म दही वाले सैंडविचेस का मजा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।